केशव सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। दो लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में खाना बनाने वाली महिला दूध वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों से 9 घंटे से पूछताछ हो रही है। दरभंगा डीआईजी बाबू राम का ये बड़ा दावा, जीतन सहनी हत्याकांड का खुलासा जल्द होगा। आपको बता दें कि दरभंगा डीआईजी बाबू राम ने ये बड़ी जानकारी दी है। पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। घटनास्थल पर कमरे में 3 खाली ग्लास मिले हैं। अगर एक मृतक के 2 ग्लास तो किसके हैं, अगर मृतक एक है तो 2 ग्लास और किसके हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तीनों खाली ग्लास को महत्वपूर्ण संकेत मान रही है पुलिस। घर के पीछे लाल बक्सा भी मिला है, ऐसा डीआईजी का कहना है। फेंकी हुई अलमारी में महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। गुप्तचरों से भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। बता दें आपको कि जीतन सहनी हत्याकांड में पल पल का अपडेट हम आपको बता रहे हैं और हर एक एक अपडेट अब तक सामने आया है। डीआईजी बाबू राम सर है, मिथिला परिषद के बाबू राम है सर, आए हुए हैं घटनास्थल पर। सर आप खुद से घटनास्थल पर आए हुए हैं सर, क्या देखा और क्या? जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही घटना को निवेदन करके हम लोग आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर आपने अंदर जाके देखा, क्या स्थिति थी, क्या आपने 3 बोतल की बात कही या कुछ और मोटिव लगता है? एक तो कमरे में 3 खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी, वो फेंकी हुई मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। चूंकि आपके काम करने का तरीका हम बेहतर जानते हैं, लेकिन लगता है कि जो सुराग है वो मिल गए हैं और बड़ी जल्दी इसका जो है खुलासा हो जाएगा। चूंकि जो चोरी का जो आप बात सामने आ रही सर, उसे हट चोरी का सबसे पहले जो हम लोगों ने अलमारी को देखा था, हम लोगों को लगा था कि शायद ये चोरी वाला मामला होगा, लेकिन उसके बाद जो सुराग मिले हैं वो चोरी से अलग संकेत कर रहे हैं और काफी कि बड़ी जल्दी हम मामले को उद्भेदन कर आप लोगों को पुनः जानकारी देंगे। जो प्रथम दृश्या में चोरी की बात आई थी, उसको लेकर डीआईजी सर ने बड़े ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि जो चोरी का प्रथम सुराग आया है वो था, लेकिन एक और सुराग मिला है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। न्यूज 18 विपिन कुमार दरभंगा। और ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, हाई प्रोफाइल हत्याकांड की ये 3 अलग अलग तस्वीर। जीतन सहनी की हत्या हो गई और हत्या के बाद से एक एक अपडेट आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। कैसे पहले घर में घुसकर हत्या की गई उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर के बाहर हलचल तेज हो गई, उसके बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। ADJ मुख्यालय जितेंद्र सिंह गैंगवार का ये बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें SIT का गठन किया गया, ऐसा उनका कहना है। आसपास के CCTV को भी खंगाला जा रहा है, जिससे सबूत जुटाया जा सके और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा भी होगा। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जितेंद्र सहनी के हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का यह बड़ा बयान सामने आया है। SIT का गठन किया गया है, आसपास के CCTV को भी खंगाला जा रहा है, ताकि तमाम जो ऐसे सबूत हैं उसे जुटाया जा सके, जिससे आने वाले वक्त में अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सहूलियत मिले। तो जीतन सहनी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसपास के CCTV फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुसरण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, CCTV मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे। और मुकेश सहनी
के पिता की हत्या हुई और हत्या की बाद तमाम अलग अलग सबूत पुलिस को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से पुलिस जांच कर रही है। पहले ये पाया गया कि चोरी की वजह से हत्या की गई, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि मामला कुछ और है और इसकी जांच अब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है ताकि जो तमाम सबूत हैं वो पुलिस इकट्ठा कर सके और अपराधी को पकड़ने में आसानी हो सके। हालांकि पुलिस ने कहा है कि बहुत जल्द वो अपराधी की गिरफ्तारी कर लेंगे। और चलिए न्यूज 18 सवाल पूछता है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्या है तीन ग्लास खाली ग्लास का राज, तीन ग्लास से क्या पिया गया था, ये बड़ा सवाल न्यूज 18 की तरफ से। ग्लास का इस्तेमाल करने वाले तीन लोग आखिर कौन थे, ये भी एक बड़ा सवाल। घर में आने वाले वो कौन थे जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है, पीछे के दरवाजे से कौन घुसे थे, ये बड़ा सवाल न्यूज 18 की तरफ से पूछा जा रहा है। ये मुकेश सहनी का आवास है और यहाँ से अगर उस आवास की बात करें जिस आवास पे जितन सहनी थे और अपराधियों ने उनकी हत्या की, उसकी दूरी की बात करें तो महज 50 कदम है। 50 कदम के दूरी पे जो है ये घटना को अंजाम दिया गया जहाँ पे जितन सहनी थे। और आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम जो है वो अनुसंधान करने के लिए यहाँ आई थी, जांच करने के लिए आई थी और जो घटनास्थल है वहाँ से तमाम जो एग्जिबिट है उसे यहाँ फॉरेंसिक टीम ने जो है उठाया है, गैदर किया है और अब इसे लेकर के वो जा रहे हैं मुजफ्फरपुर जहाँ पे पूरे एग्जिबिट की जो है वो जाँच की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पे मुकेश सहनी का ये आलिशान मकान जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 मंजिला ये जो आलिशान मकान है इससे जो घटनास्थल है उसकी दूरी महज 50 कदम है, जो हम चल के भी दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए ये वो 50 कदम है जहाँ पे घटना हुई है, वो मकान और इस मकान में बीच की जो दूरी है वो 50 कदम है। और बावजूद इसके जो जितन सहनी है वो वहाँ ना रह करके यहाँ पे इस मकान में रहा करते थे, लगातार जो है उनसे मुकेश सहनी या उनके जो भाई हैं वो कहते थे कि आप उसी मकान में रहिए, लेकिन बावजूद इसके जो जितन सहनी है वो इस मकान में रहते थे। कल भी जो रात की बात जो जानकारी मिली है कि वो यहीं पर थे और तीन जो लोग हैं वो यहाँ पे घर में मौजूद थे जिसमें से एक जो है जीतन सहनी थे, दो जो हैं वो अन्य लोग थे, वो कौन थे जिसकी जानकारी जो है जिनकी पड़ताल जो है वो फॉरेंसिक टीम जो है वो कर रही है। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, वो अब इस मामले में बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहना है सिर्फ कि जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी कहा गया है कि पूरे मामले को काफी संजीदगी के साथ लिया गया है, गंभीरता के साथ लिया गया है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी जल्द हो, इस दिशा में SIT की जाँच की जा गई है, STF के जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जितन सहनी जो मुकेश सहनी पूर्व मंत्री के जो पिता हैं उनकी अदावत किससे थी, तो इस बाबत हमने यहाँ के लोगों से भी बात की है तो लोगों का सीधे तौर पे कहना था कि किसी से कोई अदावत नहीं थी। एक जानकारी सामने जरूर आई है कि पैसे का वो लेन देन करते थे, लोगों को जरूरत होती थी तो वो पैसे दिया करते थे और संभवतः ये मामला जो है ये हत्याकांड जो है वो पैसे के लेन देन के बीच की ही हो सकती है। हालांकि प्रशासन ये कर रही है, पुलिस ये कर रही है कि ये मामला लूटपाट के दौरान हत्या की है, लेकिन जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं पुलिस महकमे के वो ये कह रहे हैं कि ये मामला हो सके तो पैसे का लेन देन से रिलेटेड हो और स्वरूप जो है वो लूटपाट के दौरान हत्या का दिया गया हो, लेकिन इसका खुलासा जो है अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 बिरौल, दरभंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित कुमार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे और भी तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुबह से ही हम आपको इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं और इस हत्याकांड को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है, वहां पर फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखिए अमित आप वहां पर सुबह से ही बने हुए हैं, तमाम आप अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, फिलहाल क्या जानकारी, वहां पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अब क्या क्या अपडेट है फिलहाल? नहीं, फिलहाल जो अपडेट है उसके पहले हम तस्वीर यहाँ दिखाते हैं कि ये देखिए ये वही मकान है जहाँ पे ये घटना हुई है। फिलहाल पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और जो SDPO हैं वो यहाँ से निकले हैं, फॉरेंसिक टीम अभी यहाँ से निकली है और अनुसंधान जो है वो अब आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो है पोस्टमार्टम हो चुका है जितन सहनी जी का और थोड़ी देर में उनका जो कह सकते हैं कि उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा, दाह संस्कार की तैयारी चल रही है। तीसरी जो बड़ी बात है कि जो STF की टीम है
पटना से जो यहाँ पहुंची है वो भी यहाँ आ चुकी है, तो वो भी अपने स्तर से अनुसंधान में जुटी है। फॉरेंसिक टीम जो है वो इस घटनास्थल से जो एग्जिबिट है उसे लेकर के अपने साथ मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गई है। वो तीन गिलास जिसका जिक्र लगातार खबरों के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि तीन गिलास जो है वो यहाँ से फॉरेंसिक टीम ने बरामद किया, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक जो है वो जनसनी का इस्तेमाल किया हुआ हो, दो जो है दूसरे लोगों का हो। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है और जो कड़ी है उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात रही कि हत्या के पीछे की वजह क्या है, तो फिलहाल जो प्रशासन है, जो पुलिस के अधिकारी हैं जो यहां पे पहुंचे थे, चाहे वो SDPO की बात कर ले या DIG और जो वरीय अधिकारी है उनकी बात कर ले, तो उनके तब से सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये लूटपाट के दौरान हत्या का मामला हो सकता है, लेकिन ये परमाफेसी की बात है, अनुसंधान के बाद ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो पाएगी। जो ADG मुख्यालय है जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने भी जो मीडिया को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने बातें बताई कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ किया जा रहा है। और बड़ी बात यही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जीतन सहनी का किसी से कोई अदावत नहीं था। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। जी हाँ, जानकारी CM साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे हैं कि हम सारे चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी संतावना दिए मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पे उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। कहा है मुकेश सहनी को, आप सुन रहे थे। मुकेश सहनी अभी पटना पहुंचे हैं और मुकेश सहनी ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की हम मांग करते हैं। तो पटना से दरभंगा पहुंचेंगे मुकेश सहनी। बता दें कि फिलहाल मुकेश सहनी पटना में पहुंचे और वहीं पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई हो। हालांकि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए SIT की टीम भी गठित कर दी गई है। हम फिर से अमित के पास जाना चाहेंगे, अमित का रुख करेंगे, अमित से और भी जानकारी लेंगे क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद है। अमित, देखिए मुकेश सहनी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन फिलहाल जो CCTV कैमरे से जो कैमरा खंगाला गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अनुसंधान से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो है वो पुलिस पदाधिकारी देने को तैयार नहीं है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है, तमाम चीजों को जो है वो एक दूसरे से जोड़ कर करके इस हत्याकांड के जो कारण है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये हत्याकांड यानी घटनास्थल है और यहाँ से अगर दूसरे मकान की दूरी की बात करें तो 50 कदम पे जो है वो दूसरा आलिशान मकान है मुकेश सहनी का, लेकिन उनके पिता जो हैं जीतन सहनी वो इसी मकान में रहते थे। रहने के पीछे की वजह जो है उनका यही कहना था कि वो जीवन अपना सादगी भरी जीवन वो जीते थे और यहीं से बैठ करके वो जो है अपनी दिनचर्या बिताते थे। लेकिन बड़ी बात ये रही कि आखिर जब लूटपाट ही करना मोटिव था, लूटपाट के दौरान ये घटना हुई है, जैसा कि पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि तौर पे कि ये लूटपाट के दौरान जो हत्या का मामला नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब लूटपाट ही करनी थी अपराधियों को तो उस आलिशान मकान में जहां पे पूरे परिवार रहते हैं और तमाम जो चीजें हैं वहां पे मौजूद है, तो वहां ना जा करके इस जो निर्माणाधीन मकान है उसमें अपराधी क्यों आए, तो ये एक बड़ी वजह है जिसको खंगालने की कोशिश जो है वो लगातार पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं, जो अब लोगों के जहन में घूम रहे हैं। लेकिन एक और आपसे जानकारी चाहेंगे कि मुकेश सहनी से जब मीडिया वालों ने अभी सवाल किया तो उनका ये कहना था कि हमारी CM से बातचीत हो चुकी है और CM ने ये आश्वासन दिया, ये भरोसा दिया है कि जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के तरफ से जो CM कार्यालय है वहां से भी जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें तमाम बातों को रखा गया था। मुख्यमंत्री जो है वो इस घटना को लेकर के
काफी कह सकते हैं कि वो भी दुखी हैं, उन्होंने दुख अपना व्यक्त किया। और जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी जो है वो काफी दिनों तक महागठबंधन में हैं, साथ रहे, नीतीश कुमार भी उस महागठबंधन में साथ रहे, और ऐसे भी वो राज्य के एक नागरिक है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जो है उनकी जो पहुंच है उसके तहत भी मुख्यमंत्री जो है इस घटना को लेकर करके उनसे बात किए हैं और उन्होंने संवेदनाएं जाहिर की। ये भी भरोसा जताया कि अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, और चूंकि लगातार न्यूज 18 ने भी इस मामले के तहत तक जाने की कोशिश की है, तो चाहे वो पुलिस प्रशासनिक के जो आला अधिकारी हैं वो हों या बाकी जो तमाम जो सरकार से जुड़े हुए जो नुमाइंदे हैं, सभी जो है ये कह रहे हैं कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी अदावत थी, क्या वाकई जो है वो लूटपाट के दौरान यह घटना हुई है या इस हत्याकांड के पीछे की वजह दूसरी कोई और है, बड़ी वजह कोई और है। तो फिलहाल दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे या उनके साथ और भी परिवार के कोई सदस्य रहते थे? अमित, देखिए जो जानकारी है, जो लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं उनसे बात हुई हमारी, तो उनका यही कहना था कि जीतन सहनी इस मकान में अकेले रहते थे और जो उनसे मिलने जुलने जो लोग आते थे वो यहीं आकर के उनसे मिलते थे। उनका पूरा परिवार जो है वो हम कैमरा पर्सन अमित से कहेंगे कि वो दिखाएं ये मकान और वो दूसरा मकान, 50 कदम की दूरी पे दूसरा जो आलिशान मकान आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस इलाके का सबसे खूबसूरत मकान, वहाँ पे बाकी परिवार के लोग रहते थे। तो आखिर जीतन सहनी जो है वहाँ ना रहकर के यहाँ क्यों रहते थे, वो तो चलिए पारिवारिक मामला है, वो अनुसंधान के दौरान भी बातें सामने आएगी। लेकिन सबसे अहम बात और बड़ी बात ये कि जो दलील या जो बातें कही जा रही है फौरी तौर पर पुलिस महकमे के द्वारा और पुलिस के जो अधिकारी यहाँ आए थे उनके द्वारा जो बातें कही जा रही है कि लूटपाट के दौरान हत्या जो है वो की गई होगी, एक संभावनाएं जताई जा रही है, तो हम वो भी वजह जो है क्यों जताई जा रही है, ऐसी बातें क्यों कही जा रही है वो भी तस्वीर दिखाते हैं कि वो देखिए वहां पे जो बाउंड्री है इस मकान का आखिरी जो छोर है उसके बगल से एक रास्ता पीछे का है और वो जो यहां से जो खड्डा दिख रहा है पानी जहां पे है जमा हुआ वहां पे एक बक्सा जो है वो पुलिस प्रशासन को मिला और कहा यही जा रहा है कि ये लूटपाट के दौरान जो अपराधी थे या जो चोर तत्व के जो लोग थे वो बक्सा को वहां पे फेंक दिए, बाकी सामान लेकर के वो चले गए। लेकिन वो अलग एक कहानी है और एक कह सकते कि एक स्वरूप हो सकता है इस हत्याकांड को डाइवर्ट करने की दिशा में, क्योंकि अमूमन ऐसी घटना को हम जो देखे हैं अपना जो अनुभव रहा है उसके उस दौरान भी हमने देखा है कि कई बार जो हत्याकांड को लोग अंजाम देते हैं, अपराधी अंजाम देते हैं, तो उसे लूटपाट, चोरी या घर भेदना से जोड़ करके दिखाना चाहते हैं ताकि वो हत्या के तहत मामले में वो ना फंसे। तो शायद ये एक कारण ये भी हो सकता है कि इसको डाइवर्ट करने की कोशिश होगी, हत्या किया गया हो और उसके बाद इसे लूटपाट का जो स्वरूप है वो देने की कोशिश की गई होगी, जिसकी ही जांच जो है वो चाहे फॉरेंसिक हो, एसटीएफ के जो अधिकारी हैं। आप नजर बनाए रखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रात 8 बजे हुई थी पिता से बात, ऐसा मुकेश सहनी का कहना है, कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी। मुकेश सहनी ने ये तमाम जानकारी दी है, गांव में किसी से झगड़ा नहीं था। मुकेश सहनी ने अपने पिता की हत्या पे ये तमाम बातें कही हैं। उनका कहना है कि पिता की हत्या पर कोई आपसी विवाद नहीं था उनका, और मुकेश सहनी की सीएम नीतीश कुमार से बात हुई और सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुझे जानकारी था, बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लाल प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई है। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे, सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पर हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की।